महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की रफ्तार देश के अन्य राज्यों से काफी ज्यादा तेज है। टीकाकरण को बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य में लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव को भी बढ़ाने का प्रयास शुरू है। हालांकि वैक्सीन की किल्लत के चलते राज्य में टीकाकरण अभियान में काफी रुकावटें भी आ रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली है। अमरावती के मेलघाट इलाके के चिंचखेड़ गांव में एक नई मिसाल कायम हुई है। यह गांव अब राज्य का पहला ऐसा गांव बन चुका है जहां सभी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज दिए जा चुके हैं, यानी यह गांव अब पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुका है। आपको बता दें कि यह गांव एक आदिवासी इलाके में मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत के दौर में अफवाहों के चलते यहां पर वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों के अंदर डर का माहौल था। हालांकि गांव वालों की सूझबूझ और स्वास्थ्य कर्मियों सहित प्रशासन द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान का गांव वालों पर जबरदस्त असर हुआ और बिना किसी डर के गांव वाले वैक्सीन लगवाने लगे। पहले जहां लोग वैक्सीन लगवाने में हिचक रहे थे, बाद में उन्हीं ग्रामीणों ने टीकाकरण अभियान में जमकर हिस्सा लिया। इस गांव की जनसंख्या की बात करें तो यहां 604 लोग रहते हैं, जिनमें से 45 साल से ज्यादा उम्र के 136 महिला और पुरुष हैं। गांव वाले इन दिनों इस बात से बेहद खुश हैं कि उन्होंने एक नई मिसाल कायम की है और उन्हें देखकर अब आसपास के गांव वाले भी वैक्सीन लगवाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच गांव में 18 से 45 साल वालों का टीकाकरण फिलहाल बंद है। इस उम्र के लोगों का कहना है कि जैसे ही गांव में दोबारा टीकाकरण शुरू होगा, वे लोग इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। डॉक्टर आए और पटेल आए, उन्होंने बोला भाई लसीकरण का अपने को ये प्रोग्राम लेना है, वो लिया। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने मीटिंग ली और बोला भाई आपको ये करना है, तो हम सब लोगों को भी समझाया। पटवारी साहब आए, इन्होंने भी हमको मदद की। वरिष्ठ नागरिक आहेत तिथले, ज्येष्ठ नागरिक वगैरह, ते सगळे एका जागी आल्यानंतर त्यांनी विचार केला की पहिले आपण गावात जे काही आहे लोक वैक्सीनेशन करणारे आहे अबव 45, त्यांची एक यादी तयार करू आणि त्यांना पहिले समुपदेशन करू। समुपदेशन केल्यानंतर मग आपण कोरोना टेस्टचं पहिले कॅम्प घेऊ। कॅम्प घेतल्यानंतर त्याच्यात काय रिझल्ट येतील त्याच्यानंतर आपण कोरोना वैक्सीनचं कॅम्प घेऊ पुढं। तर त्यात लोकांनी भरपूर काही सहकार्य केलं, तर जे यादी तयार केलं होतं आम्ही 45 वयावरील, त्यात नाहीतरी जवळपास 70-80 लोक होकार दिलं आहे की आम्ही वैक्सीनेशन घ्यायला तयार आहे। तर त्यानुसार मग आम्ही मग प्राथमिक आरोग्य केंद्र इथं कळवलं आहे की सर इथं एवढ्या लोकांना वैक्सीनेशनची आवश्यकता आहे, तर सरांनी पण होकार दिला आहे। त्याच्यानंतर वैक्सीनेशन झालेलं होतं आणि जे लोक घेत नसाल तर त्यांच्या प्रत्येक घरोघरी जाऊन त्यांना सांगितलं आहे की भाऊ वैक्सीन घ्या, वैक्सीन घेतल्यानंतर त्याचे खूप काही फायदे आहेत। 6 लोक त्या याच्यामध्ये टेस्टमध्ये पॉझिटिव्ह आले आहेत आणि त्यानंतर गृह विलगीकरण करून त्यांना योग्य तो उपचार देऊन इथे त्यांना घरीच बरं करण्यात आलं आहे आणि त्यानंतर आम्ही लगेच लसीकरण घेऊन 45 वर्षाच्या वरते जवळपास इथे 100% लसीकरण झालेलं आहे। चिंचखेड गाव की या उपलब्धी फिलहाल पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है।